क्लास में कल का डिबेट टॉपिक क्या था? What a wastage. और तेरा? मेरा टॉपिक पीछे आ रहा है. पीछे आ रहा है मतलब? नहीं समझ आया? मैं समझ गया, नॉइज पोल्यूशन. अच्छा यार, ऐसे लोगों को ना कुछ करना पड़ेगा. हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो करते हैं ना. सीरियसली हमें कुछ करना चाहिए. सच में आज उसको रोकने वाला है क्या? और क्या, बात करके देखते हैं ना. प्रॉब्लम क्या है उसको? गाइस कुछ पंगा ना हो जाए. टेंशन ना लो, प्लान भी रेडी है मेरे पास. बच्चों कहाँ जाना है आप लोगों को? आप कहाँ तक जाएंगे? मैं जिमखाना तक जाऊंगा. हाँ हमें जेम रोड पे छोड़ देना. पर आप तो तीन लोगों, मैं तो सिर्फ किसी एक को ही ड्रॉप कर पाऊंगा. ऐसा क्यों? बेटा टू व्हीलर पे सिर्फ दो लोग ही अलाउ होते हैं. चलो आपको इतना तो पता है. पर क्या आपको पता है कि नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? हाइपरटेंशन, स्लीप डिसऑर्डर, हियरिंग लॉस और कार्डियोवैस्कुलर जैसे डिसऑर्डर भी हो सकते हैं. जिम जाने का कोई फायदा नहीं. और आपको पता है किसी भी टू व्हीलर के नॉइज एमिशन रेट 91 डीबी से ज्यादा नहीं होने चाहिए. और आप जैसे लोग अपना साइलेंसर चेंज करवा के सबको परेशान करते हैं. क्या दूसरों को परेशान करके आपको बड़ा मजा आता है? नहीं. तो फिर क्यों चेंज करवाया? सब चेंज करवाते हैं, मैंने भी करवा लिया. सब गाली खाते हैं, आपको भी खानी है? नहीं. यू क्रिएट नॉइज टू मेक अस डेफ. हाउ चीप. बात समझ में आई या और समझाने की जरूरत है? आ गई बात समझ में. थैंक यू. आपने हमारी बात सुनी? हमें समझा. उसके लिए थैंक्स. अच्छा तो कौन आ रहा है मेरे साथ? पॉल्यूशन फैलाने वाले के साथ हम नहीं आते. पहले उसे चेंज करवा लीजिए, फिर हम आएंगे. ठीक है, फिर कल मिलते हैं विदाउट नॉइज. ये हुई ना बात.